Hello children, welcome to our Eurokids Puri online classroom. I am your Shilpi Bes. So children, let's start our today's activity. So children, today we are going to learn IP words. Which words? IP words. So children, let us look IP words. And children, your first IP word is D-I-P. Deep. D-I-P. Deep. Children, you have to repeat with me. You have to repeat the words with their spelling. So, D-I-P. Deep. Our next IP word is H-I-P. Hip. H-I-P. Hip. So, children, this is the IP word. And children, our next IP word is L-I-P, lip. L-I-P, lip. And children, our next IP word is S-I-P, sip. S-I-P, sip. And children, our next IP word is Z. Who is this? He is the postman. Who is this man? He is postman.
postman and he is also a community helper. So children, now we will move towards our next activity. तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम हिंदी पढ़ेंगे, पर उसके पहले चलो बच्चों एक कविता बोलते हैं। तो कविता कुछ इस तरीके की है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कू कू कर आमों में मिश्री घोली, कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो, क्या गाती हो किसे सुनाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता, तो चलो आप कुछ पढ़ाई भी करें। तो बच्चों आपको हिंदी की किताब आओ अक्षर जोड़े निकालना है। बच्चों आपने इस किताब को निकाल लिया, तो अब हम खोलेंगे पृष्ठ संख्या 25, पृष्ठ संख्या 25। और बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, चित्र पहचानिए और सही शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कई सारे शब्द लिखे हुए हैं और आपको इन चिन्हों को, इन चित्रों को पहचान कर यहाँ से उस शब्द को लिखना है। यहाँ पर है जग, जग यहाँ पर है तो आपको लिखना है जग। नल यहाँ पर है, नल तो यहाँ से आपको नल को खोज कर लिखना है नल। ठीक इसी तरह से आपको इन सारे चित्रों के नाम यहाँ से शब्दों को देखकर लिखने हैं। और फिर बच्चों हम जाएंगे अगली पृष्ठ पर और अगली पृष्ठ संख्या है 26। बच्चों इस पृष्ठ पर भी आपको ठीक उसी तरह से यहाँ पर दिए गए शब्दों को देखकर, इन चित्रों को पहचान कर इन शब्दों को ठीक से लिखना है। जैसे कि यह है कप, तो यहाँ पर आपको खोजना है कहाँ है कप, यहाँ पर है कप, तो आपको यहाँ से कप को खोज कर यहाँ पर लिखना है। ठीक इसी तरह से आपको इस पृष्ठ को भी पूरा करना है। और बच्चों इन दोनों पृष्ठों को पूरा करने के बाद इन सभी शब्दों को बार बार